हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सिंह हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएससी नर्सिंग को लेकर। बीएससी नर्सिंग को लेकर क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितने आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, कौन कौन से बच्चे जो है वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या सिर्फ अकेली गर्ल्स कर सकती हैं या बॉयज कर सकते हैं, उसके बाद आपकी क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है, कहाँ कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा, स्टेट में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको रहने वाले हैं, कौन कौन से आपके एंट्रेंस होने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बीएससी नर्सिंग की, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आप बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस किस को करनी चाहिए, बॉयज को या गर्ल्स को या दोनों ही कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो स्टेट में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कैसे आपको प्रेपरेशन करनी है, क्या आपका स्कोप बीएससी नर्सिंग का है या नहीं है, कितनी आपकी सैलरी पैकेज रहेगी, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको संपूर्ण जानकारी आपका ये भाई आपको इस वीडियो के अंदर देगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग को लेकर कि बीएससी नर्सिंग कौन से बच्चे कर सकते हैं। देखो बच्चों, बीएससी नर्सिंग जो है वो दोनों ही कर सकते हैं, आप चाहे बॉयज हो चाहे आप गर्ल्स हो, तो दोनों ही आपकी पूर्ण एलिजिबिलिटी है, पूर्ण आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि क्या बीएससी नर्सिंग करने का बेनिफिट है, क्या बीएससी नर्सिंग करने का स्कोप है इन फ्यूचर और आज के टाइम पे। देखो बच्चों, आज के टाइम पे और फ्यूचर में बीएससी नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, चाहे आप लड़का हो या लड़की है, तो बहुत सारा जो बीएससी नर्सिंग का स्कोप चल भी रहा है और आने वाले टाइम में रहने भी वाला है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप फॉरन में। अगर आप बहुत सारे बच्चे जो फॉरन में भी जाना चाहते हैं, फॉरन में बीएससी नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स पोस्ट निकलती रहती हैं, नर्सिंग ऑफिसर, अपना आर्मी में ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर, तो इस तरह से आपको जो बहुत सारी पोस्ट जो गवर्नमेंट की मिलती है जिनकी सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छा खासा पैसा आप जो है वो कमा सकते हो। बाकी और डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये थी पहले इसकी बात कि बीएससी नर्सिंग का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसके लिए आपको प्लस टू के अंदर आपको बायोलॉजी जो आपके हाथ में होनी चाहिए, यानी कि बायोलॉजी आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप पीसीबी के जो है स्टूडेंट होने चाहिए, चाहे फिर लड़का है चाहे लड़की है, यानी कि बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, वो आपको जरूर लेना है, तभी आप जो है बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो। और दूसरी चीज़ की बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए आपको कौन कौन से जो है आपके एंट्रेंस होने वाले हैं, कौन किस स्टेट का कौन सा एंट्रेंस होता है, कैसे कैसे आपको वो एंट्रेंस देना है, तो ईच एंड एवरीथिंग के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम्स की बात करें, तो यहाँ पे मैं आपको पूरी लिस्ट ये शो कर देता हूँ कि कौन कौन सी स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरयूएचएस। आरयूएचएस किसके लिए होता है, ये राजस्थान के लिए हमारे पास जो है एग्जाम होता है, और हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम्स होता है। दो तरह के एग्जाम्स होते हैं, एक स्टेट वाइज होता है, एक ऑल इंडिया लेवल पे होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आरयूएचएस जो एग्जाम होता है वो राजस्थान का होता है, एमपीपीएनएस ये एमपी वालों का होता है, और उसके बाद यूपी वालों का एबीवीएमयू, यानी कि ये यूपी वालों के लिए हो गया। उसके बाद बीसीसी ये बिहार अपना बिहार बोर्ड अपना कंडक्ट करवाता है। उसके बाद जेसीसी ये झारखंड अपने स्टेट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जो एमएनएस होता है ये मिलिट्री वाले बच्चों के लिए होता है, जो मिलिट्री के अंदर जाना चाहते हैं या फिर जो मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, उनका भी अपना एक अलग से सेपरेट बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम होता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए JKVOPP ये जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के लिए होता है। उसके बाद बात करें सीजी व्यापम, ये छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए होता है। BFUHS पंजाब वाले बच्चों के लिए होता है, जो पंजाब से हैं। उसके बाद PGIMS रोहतक के अंदर यूनिवर्सिटी है। HR हरियाणा, हरियाणा वाले बच्चों के लिए ये वाला एंट्रेंस एग्जाम होता है। AMBUHP ऐसी ये HP वाले बच्चों के लिए, हिमाचल प्रदेश से जो बच्चे बिलोंग करते हैं। ऐसे जैसे ये सारे के सारे बोर्ड्स बने हुए हैं, सारे के सारे यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिपमर, जिपमर भी अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेती है। और उसके बाद MHCET जो बच्चे महाराष्ट्र से हैं, GNET जो बच्चे गुजरात से हैं। तो हर स्टेट का जो है बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता ही होता है। अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करते हो और अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, तो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, जो अगर आपको एडमिशन वहां पे मिल जाता है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पे आपका 0 रुपीज का खर्चा है। इस चीज को ध्यान रखना, 0 रुपीज आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। 4 साल की आपकी बीएससी नर्सिंग की डिग्री होती है, जो एक प्रोफेशनल डिग्री है, और इन 4 साल की डिग्री के अंदर, प्रोफेशनल डिग्री के अंदर आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर ले। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, अगर वहाँ पे खर्चा है भी तो बहुत नाममात्र खर्चा है, जो आपको बिल्कुल भी चुभेगा नहीं। तो इस चीज़ का अपने माइंड में ध्यान रखना। इसलिए अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, और इन एंट्रेंस के एग्जाम के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते ही आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इन सबके अलावा एक और एग्जाम होता है, वो होता है एम्स का। एम्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल के अंदर, जो बच्चे एम्स में जाना चाहते हैं वो कैसे जा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स तक आप जा सकते हो, वो सब कुछ बताऊंगा। पहले आज इन सब की बात कर लेते हैं स्टेट
स्टेट वाइज। तो ये एम्स का जो एग्जाम होता है ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है, ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल में होता है। तो इस एग्जाम के अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टेट का बच्चा हो तो आप एम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन ये वाले जो एग्जाम्स हैं यहाँ पे जो स्टेट वाइज होते हैं, इसमें आप सिर्फ अपनी ही स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप दूसरी स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मान लो अगर कोई यूपी का बच्चा है, उसमें यूपी ही स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर वो एम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यूपी वाला बच्चा एचआर में जाके, हरियाणा में जाके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके पास बच्चों दो तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के और भी एग्जाम चलते रहते हैं, ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन दो एग्जाम तो मैं आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, एक वो एग्जाम जो आपका स्टेट लेवल पे होता है, दूसरा वो जो आपका ऑल इंडिया लेवल पे होता है, एम्स। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए। और अब बात करते हैं इनके एग्जाम के अंदर आपको पार्टिसिपेट कैसे, यानी कि आपको क्लियर कैसे करना है। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम जो है आपके 60% नंबर आपके पास होने चाहिए। अगर 60% या 60% से प्लस है तो आपको आराम से जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा स्टेट के अंदर। तो स्टेट के अंदर आपके परसेंट 60% या 60% से अबव है तो आपको आराम से जो है अपनी अपनी स्टेट का कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको इसके एग्जाम के लेवल के बारे में बता देता हूँ कि ये जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं इनका जो लेवल है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, बिल्कुल मॉडरेट लेवल के एग्जाम होते हैं। मॉडरेट से थोड़े कम ही ले लो या फिर मैक्सिमम मॉडरेट होते हैं, बिल्कुल भी टफ लेवल के एग्जाम्स नहीं होते। कि इसको अगर कोई बच्चा मीडियम लेवल का भी वो भी इसको ईजिली क्लियर कर सकता है, अगर आपने थोड़ी सी अच्छे से कोचिंग ली है या फिर आपने कोई अच्छे से प्रेपरेशन खुद से भी की है तो अभी आप जो इसके एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड पेपर नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि बीएससी नर्सिंग का एग्जाम बहुत हार्ड होता है और हम इसे नहीं क्लियर हो पाएगा, तो कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको मिनिमम आपका 60% या 60% से ऊपर अगर बन रहे हैं तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज आपकी स्टेट का मिल जाएगा। एम्स का थोड़ा सा एग्जाम टफ होता है स्टेट के मुकाबले, वो भी मैं आपको बता दिया। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, इसकी वीडियो भी जल्दी ही आपको मिलेगी। इसकी पूरी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा एम्स के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप अच्छे से, अगर ये वीडियो बनाने का अभी मतलब मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो या कब नहीं देख रहे हो, तो आप अगर इसकी अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर आप अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, तो इनके अंदर बहुत सारी अच्छी जॉब्स है। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी जॉब्स है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स है। नर्सिंग की जॉब्स की बात कर लेते हैं कि नर्सिंग के अंदर आपको जॉब कैसे मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जॉब्स जो वो निकलती ही निकलती है। तो यहाँ पे जॉब्स के अंदर बात करें तो एक होता है हमारे पास नॉसेट का टेस्ट होता है जो कि एम्स के लिए होता है। अगर जो बच्चे एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के बाद अप्लाई करना चाहते हैं, एम्स के अंदर बच्चे जॉब लेना है बहुत सारे बच्चों का एक ड्रीम होता है, बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है एम्स के अंदर। एक बार अगर आपको जॉब मिल गई तो समझ लो आपकी आधी से ज्यादा लाइफ जो है वो सेटलमेंट हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना आपको, हर बच्चे को नॉसेट का जो टेस्ट है एक बार तो आपने जरूर जो है वो कंडक्ट करना ही करना है। जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग करेंगे नॉसेट टेस्ट देने का, और एम्स के अंदर आपको जो है वो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको जो है जॉब मिलेंगी, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अगर एम्स के अंदर जाना बहुत सारे बच्चों का एक ड्रीम होता है, और वहां पे अगर आप नर्सिंग के अंदर भी जॉब ले लेते हो तो नर्सिंग वहां की जो होती है वो एक डॉक्टर के बराबर ही मानी जाती है। तो नॉसेट का टेस्ट आपको क्लियर करने के बाद जो आपकी सैलरी लगती है वो आपको 1,00,000 रुपए स्टार्टिंग आपकी सैलरी होती है पर मंथ की, और इसके बाद 2-3 साल बाद आपकी सैलरी 2,00,000-1,50,000 ऐसे जो है वो इंक्रीज करती ही जाती है। इतनी अच्छी फैसिलिटी देती है, इसके साथ बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज भी आपको एम्स खुद देता है, आपको रहने के लिए जगह देता है, इवन आपके मोबाइल का रिचार्ज भी वो एम्स आपको खुद देगा। ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्स आपका खुद उठाएगा और इतनी अच्छी सैलरी जो है वो आपको देगा। उसके बाद एमएनसी का टेस्ट होता है, एमएनसी का ये जो डिफेंस में जाना जाते हैं, जो नेवी में जाना जाते हैं, एयरफोर्स में जाना जाते हैं, वहां पे भी बीएससी नर्सिंग के लिए पोस्ट जो है वो निकलती ही निकलती हैं। उसके बाद जो बच्चे ट्यूटर बनना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, लेक्चर प्रोफेसर अगर आप देना चाहते हो, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी पोस्ट जो है वो निकलती निकलती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी निकलती है, कुछ आपके स्टेट की लेवल की जो पोस्ट है वो अलग निकलेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग निकलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अपनी अपनी जैसे मान लो कोई राजस्थान से, तो राजस्थान की जो सरकार है वो बीएससी नर्सिंग के अलग से टेस्ट निकालती है, जिसको आप एडमिशन के लिए जॉब्स निकालती है, ऐसे ही आपको जॉब्स के लिए भी जो है फॉर्म निकालती ही निकालती है। जैसे उनकी एडमिशन अलग से होती है, उनके जॉब्स भी अलग से होती है, प्लस सेंट्रल भी आपको देती है। जैसे ये ईएसआईसी है, ये सेंट्रल के अंदर आता है, ये सेंट्रल आपको जॉब देती है। ट्यूटर की जॉब अगर आपको लेनी है तो आपको अपनी स्टेट के थ्रू भी ले सकते हो, सेंटर के थ्रू भी ले सकते हो। तो ऐसे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, इनका खुद का हॉस्पिटल भी है, ये भी अपनी जॉब्स जो है वो निकालती है, इनको भी बीएससी नर्सिंग की नीड पड़ती है अपने हॉस्पिटल के। डीएसएसबी ये दिल्ली के अंदर निकलती है। उसके बाद सीएचओ की पोस्ट हर स्टेट में निकलती है, सीएचओ की पोस्ट, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर,
तो इसकी पोस्ट आपको निकलती है। उसके बाद पीजीआई की भी हर स्टेट के अंदर जो है पोस्ट निकलती ही निकलती है। जिपमर की बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जिपमर भी अपने हर हॉस्पिटल के लिए बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स निकालता है जॉब्स के लिए। केजीएमयू जो यूपी के अंदर है इसके लिए भी अलग से पोस्ट जो निकलती है। एडमिशन जैसे अलग से होती है तो इसका जो अपना जॉब का क्राइटेरिया है वो भी इनका अलग से होता है यूपी वालों के लिए। तो पीजीआई भी हर स्टेट में आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो दोनों के रिला मिला के सेंट्रल की गवर्नमेंट और अपनी स्टेट की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जॉब्स आपको प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो अलग से है। तो ये तो सारी जॉब्स है ही है। इसके साथ साथ जो बच्चे फॉरन में जाना चाहते हैं फॉरन का भी इसका जो है बहुत ज्यादा स्कोप है। तो अगर आप फॉरन जाना चाहते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप फॉरन भी जा सकते हो। और बात करें एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी का एक चीज का ध्यान रखना, कम से कम आपको 12th के अंदर जो है 55% जो है वो आपके पास होने चाहिए। मिनिमम 55% आपके पास होने चाहिए पीसीबी के अंदर, पीसीबी और साथ में इंग्लिश का भी रख लेना क्योंकि एम्स की इंग्लिश के भी अंदर नीड पड़ेगी। वो सब कुछ मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये हिंट दे रही है कि आपको मिनिमम आपके पीसीबी के अंदर जो 55% होने चाहिए 12th के अंदर। और कोशिश करना कि 11th के अंदर भी सेम ही रहे, लेकिन 12th के अंदर तो मिनिमम 55% जो है वो आपको लेने ही लेने पीसीबी और इंग्लिश के अंदर। और इसके बाद बात करें कि अब सर इसकी जो प्रेपरेशन करनी है वो कैसे करनी है। तो देखो बच्चों, प्रेपरेशन आप अगर कोचिंग ले रहे तो अच्छी बात है, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मार्केट में जाओ, बहुत बेसिक लेवल्स की बुक्स भी आती हैं बीएससी नर्सिंग को प्रिपेयर करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया इनका एग्जाम सिर्फ मॉडरेट लेवल का होता है, हार्ड लेवल का नहीं होता। अगर आप राजस्थान से हो तो उनको मार्केट में अपनी बुक शॉप्स के अंदर जाके बोलो कि मुझे RUHS का जो एग्जाम है वो क्लियर करना है, उसके लिए मुझे बीएससी नर्सिंग के बुक प्रोवाइड कर दो। तो इजीली आपको बहुत सारी जो है बुक्स प्रोवाइड कर देंगे, बहुत सारी उनके पास अवेलेबल्स होती है। तो आप अपने हिसाब से वहां पे जाके जो है चूज कर सकते हो। हर स्टेट के अपने अपने एग्जाम्स होते हैं तो हर स्टेट की बुक्स भी जो है वो होती है। ऑलमोस्ट एक चीज का ध्यान रखना, एम्स का पेपर और आपकी जो स्टेट का पेपर है ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही सिलेबस का रहता है, 90% सेम सिलेबस रहेगा। हर 10% थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर स्टेट का जो एग्जाम है, अगर आप कोई सेंटर का एग्जाम और भी देते हो तो हर चीज का सिलेबस सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस बदल जाएगा, तो आपका सिलेबस वही रहने वाला है। इसलिए मार्केट अगर आपको जाना है तो वहां जाके आपको बुक्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। आप RUHS की बुक मान लेना, बोलना KGMU की मुझे बुक चाहिए, मुझे KGMU का एग्जाम क्लियर करना है, तो वो आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी बुक्स की फैसिलिटी जो अवेलेबल मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस तरह आपके भाई आपके बहुत सारे वीडियो जो आपके लिए नॉलेजेबल लाता रहेगा।